होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, उन लोगों का प्रेफरेंस है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। अगर मैंने ये सम को, अपने को बस x का वैल्यू निकालना है, राइट है? अगर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? आई विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। किस फॉर्म में मिलेगा? क्यूबिक इक्वेशन का तो समझते हो ना, x क्यूब के फॉर्म में। और अगर मैं इसको x क्यूब के फॉर्म में ले लूं तो फिर उसको फैक्टराइज करना, उसको सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाएगा, है कि नहीं? तो अपने पास एक प्रोसेस है, अपने को क्या पता है? प्रॉपर्टीज पता है ना? तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ट्राई टू रिड्यूस एक्स एज मच एज पॉसिबल। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आर वन माइनस आर टू कहां पे चेंज होगा बोलो? आर वन, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस सिक्स कितना आएगा? एक्स एक्स कट, टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा? एक्स एक्स कट सिक्स माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, सिक्स प्लस वन कितना आएगा? एक्स एक्स कट माइनस वन माइनस टू कितना आएगा? राइट है? अब क्या करना चाहिए अपने को बोलो? अगेन ये आर टू और आर थ्री को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, क्या लिखेंगे हम लोग? आर टू माइनस आर थ्री, चेंज क्या भी होगा बोलो? आर टू माइनस फोर सेवन माइनस थ्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन एक्स एक्स गेट कैंसिल, ये हो जाएगा सेवन, एक्स एक्स कट, ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू। तो सबसे पहले क्या, तो क्या आएगा? करेक्ट, इधर क्या हो जाएगा? माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? करेक्ट, ये माइनस और बीच वाला माइनस क्या हो जाएगा? फोर एक्स प्लस थ्री। किसी को डाउट है इसमें? अगेन सेम, सेवन एक्स प्लस फोर्टी टू प्लस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टी प्लस थ्री एक्स माइनस इक्वल टू, नाउ ओपन द ब्रैकेट, अच्छे से सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो ट्राई कर ही सकते हो। हाँ, एक ही, एक ही बस।
R3 यहाँ पे R3 आएगा, R3 आएगा कहाँ? कॉलम हाँ अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं पागल पूरी। ए बच्चा आपकी कोई सिस्टर ऐसे पढ़ती भी नहीं क्या? नहीं पढ़ी पक्का पढ़ा है तेरे जैसे सकल। भाई आपके क्लास से फर्स्ट रैंक की महाराष्ट्र वाला स्टूडेंट आया लग नहीं आप लोग को? तो जिस लेवल पे जो रहता है ना उसके लिए तो मतलब हम लोग भी कभी जेट वाले पे उस लेवल में जाके सोचते हैं 100% आना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं? मैं जब भी पढ़ता था ना मुझे स्कूल लोग पाइथागोरस बोलते थे। पाइथागोरस ए अपने क्लास का पाइथा आ गया। मुझे फंसा भी दे देना कभी कभी मैं इंजीनियरिंग के जब प्रैक्टिकल होते थे ना हमारे तो मैं कभी प्रैक्टिकल नहीं करता था। मैं रीडिंग उन लोग फटाफट निकालते थे और मैं ना वो रीडिंग मतलब रीडिंग से लेके उल्टा जाता था ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का फिर ग्राफ से आंसर निकाल के लिखता था। जो मेरा ग्रुप रहता था ना सबसे पहले हम ही लोग का कंप्यूटर। एक जन हमारे ग्रुप में से जाके बोला मैडम को अरे मैडम प्रैक्टिकल नहीं करता है वो खाली रीडिंग से पूरा आंसर आपका। तो मैडम अच्छा ग्राफ किसका? मैं बोला एक तो तुम लोग करके देखता हूँ पर तुम लोग करके देखो ऐसे लोग एग्जाम तो बोला मैंने करने वाला भाई मैं भी तुम लोग के साथ प्रैक्टिकल करूंगा तो मुझे पसंद है। पढ़ाई में ना हर एक का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो एकदम तगड़ा होना चाहिए। समझ आया क्या? कोई भी सब्जेक्ट जहां भी आपको इंटरेस्ट मिलता है
हो गया क्या? x का वैल्यू आया, ऑनलाइन वाले प्लीज सॉल्व। नहीं है आएगा, कैंसिल होने वाला है। कौन से नंबर से कैंसिल होगा देखो, ऊपर तो प्राइम नंबर से कट होता है, किसी ना किसी से तो कट होगा। माइनस फोर है, माइनस फोर। देखो x is equal to कितना हो जाएगा, 259 upon 111, right? 29 से जाएगा, देखो 29 into 3 नहीं है, ज्यादा है ना यहाँ पे, ऐसे कुछ तो है। कौन सा नंबर आएगा जिससे ये कैंसिल होगा? कोई तो एक प्राइम नंबर आता है जिससे ये कट होता है। हाँ देखो, थ्री से अगर कट होगा तो कितना आएगा? थ्री 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 सेवन, 27 से जाएगा, 37 से। इसको कट किया तो 3 आएगा, और 259 और 37 से अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7 7 49 होता है ना, 7 से जाएगा क्या? हाँ देखो 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 3 7 3 21, 21 और 4, फाइनल आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 37 से गया है। यस गुड।
अरे यार कुछ स्टूडेंट ना कल लास्ट टाइम मुझे बोल रहे थे बॉयज लोग उनको लॉग टेबल सीखना है। ठीक है ना, क्या सीखना है? लॉग टेबल। तो आज इवनिंग में मैं थोड़ा लॉग टेबल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब घर पे बैठोगे ना तो लॉग टेबल लेके बैठना। क्या लेके बैठना? ठीक है। अरे हाँ सर, मुझे ना फोन कर रहे थे लास्ट टाइम फ्राइडे के दिन, सेट्स और रिलेशन का एग्जाम के लिए डाला था, तो कोई तो मैसेज डाल रहा था सबको कि सर कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई तो मैसेज डाल रहा था, है ना? हाँ क्या? हाँ तो सर मुझसे कर, हाँ सर मुझे कंफर्म कर रहे थे, मैंने बोला अरे सेंसर रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं डिटरमिनेंट कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने सर को बोला भी बच्चों से खाली ये पूछो कि जो टॉपिक अभी चल रहा है इसके पहले सर ने क्या बोला, आपको आंसर मिल जाए, है ना? सब परेशान थे, मैडम भी परेशान थी। मैडम ने भी मुझे 2 बार फोन किया, सर कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? कुछ बोला अच्छा उससे पूछना चाहिए था कि भाई तुम आखिरी लेक्चर है, नहीं होगी वो लेक्चर में। और कैसा था वो? छोटा ही चैप्टर था ना, दो ही एक्सरसाइज था, जल्दी खत्म हो गया बाबू। देखो जैसा मैंने ये सॉल्व किया है ना सेम वैसे ही इसमें करना है। एक बार आपको क्या करना है, R1 - R2, दूसरी बार क्या करना है, और तीसरी बार में डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डुप्लीकेट निकालना है। ठीक है? यस, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो बेटा सब लोग। बलराज, अरे कितनी बार बोलेगा, -4 था, हो गया ना, तभी से उधरी अटकाई क्या? बलराज सॉल्व कर दिया पूरा मेरे साथ। अभी इसको देख, जो स्टेप मैंने इसके पहले वाले सम में किया है सेम स्टेप आपको करके सॉल्व करना है। सबसे पहला काम R1 - R2, उसके बाद वाला काम R2 - R1, राइट है? चलो डू इट फास्ट, R2 - R3, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू। सेम स्टेप सेम जो जो मैंने किया। अरे बलराज आंसर राइट है, -7/3 करेक्ट है। अगर -7/3 करेक्ट है तो ऑफकोर्स ये सारे स्टेप भी राइट ही होंगे ना, क्यों इतना टेंशन लेता है, सब राइट है, देख तू ही देख ले, मल्टीप्लाई किया है बस। ये -8 नहीं होगा, +8 होगा, बिकॉज देख जब दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बीच में लिखना पड़ता है ना, तो वो बीच वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर ये 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 8 आएगा। ठीक है चल जल्दी जल्दी लिख, अभी तो दूरी अटका है। जल्दी जल्दी आंसर निकाल दो इसका। हाँ अच्छे से बोलो, ठीक
बच्चों लोग आ गया क्या? वाह कितना आया इसका आंसर? हाउ इट कम जीरो बाबू, जीरो कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल. देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे, आर वन माइनस, और दूसरी बार क्या करूंगा, बराबर. आर वन माइनस आर टू है ना? ओके करेंगे तो यार 2x बच्चा है ना? देखो ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो अगर माइनस माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ये भी माइनस 2x आ जाएगा, ये खाली कटेगा है ना, तो बेटर है प्लस कर दे. क्या करते हैं हम लोग, आर वन प्लस आर एंड आर टू प्लस आर, ये देखो तो जब करेंगे तो ये फोर और फोर कितना आ गया, और ये फोर और फोर कितना आ गया, और ये कितना आ जाएगा, एट माइनस टू एक्स, बराबर. सेम यहाँ पे भी देखो, लेकिन एक बात और भी है ना, अगर हम लोग ने ऐसा किया ये तो जाएगा ही नहीं, तब खाली एक एक्स बचेगा यहाँ पे है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा. काम करते हम लोग, तो अपना स्टेप पुराना था, क्या करते माइनस, आने तो जो आएगा कितना हो जाएगा, इधर 2x, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना हो जाएगा
2x ये कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ठीक है। ऑनलाइन वाले जो मैंने दो स्टेप आपको बताया r1 माइनस r2 और बाद में r2 माइनस, अब क्या करना देखो, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन दिखता है 2x, सेकंड रो में से क्या कॉमन दिखता है 2x, तो क्या करने का एक 2x कॉमन फ्रॉम r1 एंड तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1। अब इसको देखो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, ये चला जाएगा उस साइड तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, वो चला गया, क्या बचेगा 1 माइनस 1 ठीक है। बस अभी इसको सॉल्व कर दो, 1 क्या आएगा बोलो, वन 4 माइनस x माइनस 1 4 प्लस x 4 प्लस x, मिडिल वाला क्या है प्लस 1 0 0 4 माइनस x 4 माइनस x -1 -1 4 + x। अरे अच्छी बात क्या है, लास्ट वाला 0 ही है ना, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है बिकॉज़ 0 इनटू एनीथिंग इज 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + x minus, minus, plus, 4 - x ये 0 हो जाएगा प्लस 4 - x राइट। देखो 4 4 8 8 4 12 और ये माइनस एक्स प्लस एक्स जेड कैंसिल, क्या बचा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, दिस इज द आंसर ठीक है। चलो डू इट फास्ट, करेक्ट 0 भी देगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना उन लोगों ने फिर क्या किया है, ये 2x को उस साइड नहीं लिखेगा, ऐसा लिखा आइदर 2x द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर लिख दिया उन लोगों ने x इज इक्वल टू 0 एंड 12, है ना। देखो हम फैक्टराइज करते हैं तो दो टर्म आता है ना, तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया
अमित, जो स्टेप मैंने पहले वाले सब में किया था वही स्टेप किया है। एक बार R1 माइनस R2, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। देखो, एक बार R1 माइनस R2 किया, एक बार R2 माइनस R3 किया, राइट। तो ये वाला स्टेप मिला, R1 और R2 दोनों में से 2x कॉमन लिया दो बार, तो इसलिए 2x स्क्वायर हो गया। अब जब भी दो फैक्टर मिलता है तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 0 मिला और ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 12 मिला, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 0 एंड 12, राइट। देख लिया, सब लोग ने लिख लिया क्या? हो गया क्या सबका? ए बच्चा, सबका हो गया? रफ कर दो, लास्ट वाला सम पढ़ो तो सब लोग। विदाउट विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। पर बहुत इंटरेस्टिंग सर, थोड़ा ध्यान दे दो इस बार। देखो सम कैसा है, कंसीडर LHS, जानते हो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? लास्ट वाला है ना। दो डिटरमिनेंट को ऐड कब कर सकते हैं हम लोग? अरे बोलो, कैसे बच्चे प्रॉपर्टी लिख के देने के बाद। अरे लास्ट प्रॉपर्टी क्या था? R2 में दोनों को ऐड कर देने का। हाँ, R2 के दोनों को ऐड कर। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या बताया? अरे बातें करने बेस्ट है। अरे पागल, मैंने क्या पूछा? क्या पूछा बताओ? देखो लास्ट लेक्चर बोला, मैंने पूछा कि लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या सिखाया था, बताओ जल्दी। बोलो लास्ट प्रॉपर्टी क्या था?
आप नहीं बताओगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा सम को। क्या था लास्ट प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी में पूछो यार, सम को छोड़ो, सम मैं सम की बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वाला प्रॉपर्टी लिखा है ना, लास्ट टाइम लिखवाया था मैंने। क्या था लास्ट प्रॉपर्टी? हाँ डायरेक्टली क्या किया था उसने? हाँ क्या बताया था कंडीशन क्या था? नहीं अगर आप लोग इंग्लिश नहीं समझता है तो अपने लैंग्वेज में आपके लिख लेने का जो मैं बहुत बोलता हूँ क्या फायदा फिर? देखो एग्जांपल देके मैंने दो को ऐड किया है ना, और दो को ऐड कब कर सकते हैं? दो डिटरमिनेंट को ऐड कब होता है? दो डिटरमिनेंट को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब उस डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम क्या होगा? सेम। तो तीसरे वाले को ऐड करते हैं। देखो ऐसा किया है क्या मैंने? चेक करो पहले, दोनों डिटरमिनेंट में दो रो सेम है क्या? अरे बोलो। तो तीसरे वाले को ऐड किया, कौन सा वाले को ऐड किया? सेकेंड वाले को। तो फर्स्ट और थर्ड सेम है क्या दोनों में? यही ऑब्जर्व करके और यही दिमाग में रखना है। जब भी आप लेक्चर को आता है ना बेटा, जो टॉपिक चलते रहता है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है लास्ट लेक्चर का, वो पढ़ के आओ, तब जाके समझेगा कॉन्सेप्ट में क्यों सिखाया। तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया ना, अगर आपको ये 6 का 6 प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो सम आपको आएगा नहीं आएगा। इसलिए मैंने लास्ट टाइम 45 मिनट खाली मैंने प्रॉपर्टी आपको कम से कम 5 बार बताया, 5 बार। एक बार 3 लिखा, फिर उसको वापस से एक्सप्लेन किया, फिर बात का 3 बताया, फिर वो 3 और ये 3 दोनों एक्सप्लेन किया, और लास्ट में फिर से एक बार 6 का 6 बताया कि नहीं? 5 बार एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर तुमको याद नहीं रहता तो आप बताओ गलती किसकी। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ 50 बार, प्रॉपर्टीज या कोई भी चीज तुम्हें यहां से बोलता हो, सपोज करो कि उसको आपको लगता है कि ये मुझे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद भूलने वाला हो, तो बेटर है कि आप अपने लैंग्वेज में, आप मराठी मीडियम से पढ़े हो मराठी में, हिंदी मीडियम से पढ़े हो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो इंग्लिश में, अपने समझने के लिए वहां पे वो लैंग्वेज को लिख लेने का आदेश, ताकि आपको याद रहे। मैंने पहले बोला ना, याद रखना, कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज अपने लिए इम्पोर्टेंट। तो देखो दो डिटरमिनेंट को ऐड हम लोग कब कर सकते हैं? बैठो, दो डिटरमिनेंट को ऐड कब कर सकते हैं हम लोग? जब दोनों का कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम, इसका मतलब ये हो गया। और दो को एक बनाना है कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में देखो एक ही डिटरमिनेंट है, इतना तो पक्का हो गया कि दोनों को सॉल्व करके मुझे एक बनाना है, करेक्ट है? अब बोलो कैसे एक बनेगा, हाउ इट बिकम वन। देखो एक चीज आपको मजे की बात बता, इधर कितना है? इधर 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 बराबर है, इधर कितना है? और इधर 6, 6, 2, 3 मतलब इधर 2 का मल्टीपल जे ना, ठीक, ये 4 में से 2 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, करेक्ट? ये देखो मैं 2 क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6, 4, 12 बराबर। एक 2 बच गया ना, अभी आप बताओ क्या करना चाहिए? अब बोलो क्या करना चाहिए? देखो अभी ये दोनों और ये दोनों सेम हो गया ना, अभी एक ही बचा है, इसको ऐड तो कर देंगे, लेकिन ये 2 का क्या करना है? क्योंकि वो 2 गायब होना चाहिए तभी जाके हो, तो ये 2 को मैं फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि उसको ही ऐड करना है ना मुझे, क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता बाकी से,
ऐड करने के लिए बाकी का दोनों क्या होना चाहिए सेम। अगर चलो अभी ऐड कर दू क्या हुआ, अरे नो सर क्यों, यस सर बोलेगा, ये दोनों सेम है। ये 1 + 4 6 + 4 बराबर है, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 10 राइट हैंड साइड देखो भाई क्या क्या चाहिए बाहर 10 चाहिए। देखो ये फर्स्ट वाले में से 5 कॉमन ले सकते हैं हाँ, और ये लास्ट वाले में से 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना हो गया इधर 1 2 1 E 1 7 E 2 6 बराबर है, ये तो 5 2 10 आ जाएगा बराबर है, ये तो आ गया। बट व्हाट अबाउट दिस, क्या यही चाहिए अपने को? देखो 1 2 1 कहाँ पे है, 1 2 1 ऐसे, इसका मतलब सारे रो मुझे किसमें चाहिए कॉलम में, सारे कॉलम मुझे किसमें चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रो का कॉलम, कॉलम का ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि व्हेनेवर वी इंटरचेंज ऑल रो इनटू कॉलम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट विल नेवर चेंज। जब भी हम सारे रो को सारे कॉलम में या सारे कॉलम को सारे रो में इंटरचेंज करते हैं तो भी डिटरमिनेंट का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा 1 2 1 1 7 6 दिस इज योर एंड लिख लो एडल फास्ट। इस तरह से आपका ये डिटरमिनेंट हो गया फिनिश। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक, मतलब इसी का टॉपिक ही नाम है, इस टॉपिक का नाम क्या था, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट का पार्ट हो गया खत्म, अब आगे वाला पार्ट क्या है, मैट्रिसेस। हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे,
अच्छा हो गया क्या? सब लोग ने लिख लिया? ओके बच्चा, सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा। ऑल ऑफ यू प्लीज, मैट्राइसेस। आई थिंक मैट्राइसेस का इंट्रोडक्शन मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, है ना? कि डिटरमिनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैट्राइसेस लिखते कैसे है कि नहीं? And what do you mean by that matrices definition? It is a technique of writing data in terms of rows and columns. Rows and columns. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैट्राइसिस क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ राइटिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो मैट्रिक्स में हम लोग क्या बनाते थे, खाली दो लाइन, और यहाँ पे क्या बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर बॉक्स, A B C P Q R X Y Z, है ना? यहाँ पर इधर क्या लिखते हैं हम लोग, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ। सपोज कि जैसे यहाँ पे कितने रो है और कॉलम कितना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री रोज थ्री कॉलम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, अब आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, दो। कितने टाइप होते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, थोड़ी मिल जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम बोल सकते हैं ए और इसको बोल सकते हैं। चलो हम लोग एक एक को लेके स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला आ गया
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। है कि नहीं? जब भी ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? अब मैं अगर टाइम्स की बात करूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइम्स कितने होते हैं? तो पहले को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, ओनली वन कॉलम कितना भी रहेगा। इज दैट क्लियर? सी वन सी टू सी थ्री सी कितना भी रह सकता, बट रो कितना होना चाहिए? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अब कॉलम मैट्रिक्स फिर क्या होगा? कॉलम केवल एक रहेगा, कॉलम एक, रो कितने भी हो सकते हैं। मैं चार लिख रहा हूं क्योंकि मुझे चार नंबर अच्छा लगता है ना, बट आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब बी क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप है, डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहले आप इतना लिख लो। चलो बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले पहले लिख लो इतना।
हो गया क्या? सब लोग ने लिख लिया? रफ करूं? रफ करूं क्या? तो अब देखो, अब क्या आप लोगों को करना है? टाइप्स ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स। देखो, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ओके, ठीक है, तो समझ गए। अब पहला इसमें से टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? Diagonal matrix are those matrix in which all non-diagonal elements should be zero. All non-diagonal element. अब diagonal element क्या होता है और non-diagonal? Diagonal हमेशा ही एक ही diagonal होता है, समझा? तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए? तो उसने ऐसा नहीं बोला कि उसको छोड़ के, उसने ऐसा बोला कि नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए बस। अब डायगोनल जीरो रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा ठीक है। दूसरा आ गया नॉल मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स क्या होता है? और जीरो मैट्रिक्स। अब एज द नेम सजेस्ट, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या? सारे एलिमेंट क्या रहेंगे इसमें के? जीरो। करेक्ट। इसके बाद आ गया स्केलर मैट्रिक्स। क्या आ गया बोलो? स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, बाकी सब क्या होने चाहिए? ठीक है, इसके बाद आ गया यूनिट मैट्रिक्स। क्या आ गया? यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स? डायगोनल हमेशा वन होना चाहिए फिक्स्ड और बाकी सब। राइट, इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है बोलो? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स are basically divided in the case of upper triangular element zero है कि lower triangle। इसमें दो type का होता है, एक को बोलते हैं upper triangular और दूसरे को बोलते हैं lower triangular। ठीक है, upper triangular में क्या होता है? lower triangular element zero होता है। राइट, और लोअर ट्रायंगुलर में ठीक है, ये तीन जब नीचे के तीन जीरो होंगे तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे और जब ऊपर के तीन जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर।
ठीक है डन, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका, हो गया अभी तो बोल एग्जांपल वाले सवाल वो नहीं पाएगा अभी जो है ना इसके आगे टाइप्स में दो टाइप और बचा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन पहला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा है सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो हम लोग देखेंगे शाम के लेक्चर में ठीक है ना और शाम के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में बोला था मुझे कि सर थोड़ा लॉगरिथम सिखाने के लिए तो आप लोग भी लॉग टेबल आज जाके दुकान से खरीद लेना जिसके पास है ठीक है ना तो मिलते हैं शाम को चल बाय